नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा लौकी के फायदे के बारे में। लौकी के अनेक फायदे। दोस्तों, लौकी को सभी जानते एवं पहचानते हैं और हर घर में इसका भरपूर उपयोग होता है। यह गर्मी बरसात के मौसम में उगती है। अभी तक लोग इसका प्रयोग मात्र साग सब्जी के रूप में करते थे, मगर आज लोग इसे शरीर स्वास्थ्य को बनाने के लिए, अनेक बीमारियों को ठीक करने के रूप में भी सेवन करने लग गए हैं। या ये भी कह सकते हैं कि लौकी के गुणों के बारे में लोग जागरूक हो चुके हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियों एवं स्वास्थ्य बनाने के लिए इसका भरपूर उपयोग करने लग गए हैं। दोस्तों, आज हम लौकी के अनेक प्रकार के फायदे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, लौकी दो प्रकार की होती है, ग्राम्य एवं वन्य। नंबर एक, ग्राम्य लौकी, इसको मीठी लौकी भी कहा जाता है और यही साग सब्जी के रूप में सेवन की जाती है। नंबर दो, वन्य लौकी, यह जंगलों में पाई जाती है, इसे कड़वी लौकी भी कहते हैं, इसलिए इसका प्रयोग साग सब्जी के रूप में खाने में नहीं किया जाता है। बेशक आयुर्वेद शास्त्र में इसका अनेक रोगों व दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, विशेषकर शोधन चिकित्सा, पंचकर्म में वमन या उल्टी करवाने के लिए। तो दोस्तों, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं मीठी लौकी के बारे में। दोस्तों, लौकी गर्मी एवं वर्षा ऋतु में फूलती फलती है और आजकल कोल्ड स्टोरेज होने से यहाँ साल भर मिलती है। फिर भी जब इसका मौसम होता है, उस मौसम में इसका सेवन करने से ही ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। दोस्तों, लौकी में क्या क्या पाया जाता है? इसके फल में आर्द्रता 96.3%, प्रोटीन 0.2%, वसा 0.1%, कार्बोहाइड्रेट 2.9%, खनिज पदार्थ 0.5%, कैल्शियम 0.02% तथा फास्फोरस 0.1% होते हैं। खनिजों में लोह तथा आयोडीन पाया जाता है। विटामिन में विटामिन बी एवं सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसके बीज से हल्के पीले रंग का एक तेल 45% निकलता है। आयुर्वेद के अनुसार रस विपाक में मधुर एवं शीत वीर्य होने से यहाँ मेद्य या दिमाग के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए लाभदायक है। यह नींद लाने वाला, बहुत प्यास लगने वालों की प्यास कम करने वाला, जलन या एसिडिटी के लिए बहुत लाभदायक है और कमज़ोर लोगों के लिए भी यह बहुत पौष्टिक है, कमजोरी को दूर करने वाला है। मात्रा, दोस्तों साग सब्जी के रूप में तो इसका भरपूर उपयोग हर घर में किया जाता है। आज इसका रस या स्वरस को निकालकर भी उपयोग में लाते हैं। रस या स्वरस की मात्रा 100 से 125 ml तक दिन में दो बार या केवल सुबह खाली पेट लिया जा सकता है। इसके पत्तों का रस 10 से 20 ml एवं बीज का पाउडर 3 से 6 ग्राम दिन में दो या तीन बार लिया जा सकता है। लौकी के अनेक रोगों में प्रयोग। नंबर एक, दाह या जलन में। लौकी के 40 ग्राम बीज को लेकर उन्हें मोटा कूट कर 64 गुने पानी में पकाइए। आधा पानी शेष रहकर उसमें 4-5 काली मिर्च का पाउडर एवं
थोड़ी स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर दिन में 3-4 बार पीने से इससे जलन, दाह, एसिडिटी, गर्मी आदि खत्म होती है। गर्मियों के लिए यहाँ एक बहुत अच्छा पेय पदार्थ है। नंबर 2, निंद्रा नाश। आजकल निंद्रा नाश की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। निंद्रा नाश में इनके बीजों का तेल सिर पर मालिश करने से और नाक से लेने से नस्य से बहुत लाभ मिलता है। इसके तेल की मालिश करने से रूखापन मिटता है और मस्तिष्क की ताजगी मिटती है। नंबर 3, सिरदर्द में लौकी के फल की मज्जा गिरी का सिर पर लेप करने से सिरदर्द समाप्त होता है। इसका यहाँ लेप पागलपन, शराबी और विषम ज्वर के रोगियों को भी बहुत लाभ पहुँचाता है। नंबर 4, रक्त विकार। खून की खराबी में इसके फल के रस 100 ml में शहद या मिश्री मिलाकर सुबह शाम लेने से रक्त विकार में लाभ होता है। नंबर 5, संधिवात या जोड़ों का दर्द। लौकी के रस में 2-3 ग्राम सौंठ का पाउडर मिलाकर पीने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। नंबर 6, मूत्र कच्छ या पेशाब में जलन होना या रुकना। पेशाब में जलन होने पर लौकी के 100 ml रस में कलमी 100 ग्राम, मिश्री 25 ग्राम और पानी 250 ml मिलाकर पीने से मूत्र खुलकर आने लगता है। यह प्रयोग दिन में 3-4 बार करना चाहिए। नंबर 7, हृदय रोग। दोस्तों, हृदय रोग आज पूरे विश्व के साथ भारत में भी महामारी का रूप धारण कर चुका है। हृदय के रोगों से बचने के लिए लौकी बहुत ही लाभदायक है। यह हृदय के रोगों से बचाती है। यह हृदय की धमनियों में जो कोलेस्ट्रॉल या धमनियों में जो चर्बी जम जाती है, उस कारण धमनियों में रुकावट हो जाती है। लौकी का रस इस रुकावट को हटा देता है। इन धमनियों में बड़े चर्बी को ख़त्म कर देता है। ऐसे हृदय रोगियों के लिए लौकी का रस अमृत के समान काम करता है। इसमें रोगी की उम्र एवं रोग के अनुसार 200 से 600 ग्राम लौकी को छिलकों सहित लेकर कद्दूकस करिए। इसमें 8 से 10 पत्तियां पुदीना, 8 से 10 पत्तियां तुलसी, 2 से 4 दाने काली मिर्च के पीसकर कपड़े से दबाकर या छानकर रस निकाल लीजिए। इसे सुबह शाम थोड़ा पानी मिलाकर पीजिए। 1 घंटे तक कुछ न खाए पिए। सुबह खाली पेट एवं रात को खाने से 1 घंटे पहले इस रस को पीजिए। यदि धमनियों में रुकावट ज़्यादा हो तो दिन में 3 बार भी पी सकते हैं। यह प्रयोग 3 से 6 माह तक लगातार करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति भी इसका प्रयोग दिन में 1 बार सुबह खाली पेट लगातार 3 महीने तक कर सकता है, या कम से कम हफ्ते में सामान्य आदमी 2 बार तो इसका प्रयोग अवश्य करना ही चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को और लेते रहे आयुर्वेद योग स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।